गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट टू के क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 6 महीने के लिए उधार दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बात समझिएगा, अभी तक जो मैंने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था, 2 साल और 3 साल था ना, लेकिन यहाँ पे जो ईयर है वो फ्रैक्शन में आ गया, जैसे 1 साल 6 महीने, 1 साल 3 महीने, यानी इस फ्रैक्शन ईयर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझिएगा यहाँ पर कि हमारे पास 1000 रुपए है, कितना है 1000 रुपए, लेकिन टाइम की बात करें तो टाइम है 1 साल 6 महीने, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं 1 year 6 month। अगर हम देखें 1 साल 6 महीने तो आप लिखेंगे 1 plus 6 month को भी अगर ईयर में बदलेंगे तो 6/12 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप माह को जब ईयर में चेंज करते हैं तो आप 12 से भाग देंगे, ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा 1 plus 1/2 ईयर यानी साल। तो कहने का मतलब यह है कि आप बोल सकते हैं कि टोटल हमारे पास 1 साल और आधा साल यानी टोटल 1.5 साल आपके पास है, यानी कहने का मतलब है पहले साल पर 1 साल जो लिखा गया, पहले साल का ब्याज आपको टोटल दिया जाएगा लेकिन दूसरे साल का ब्याज आधा दिया जाएगा, क्योंकि ईयर क्या है, हाफ है। जब ईयर हाफ है तो आपको ब्याज भी क्या होगा, हाफ ही मिलेगा ना। अगर टोटल 2 ईयर रहता तो टोटल 2 ईयर का आपको इंटरेस्ट मिलता है यानी ब्याज मिलता है, लेकिन यहाँ पे हाफ है इसलिए हाफ मिलेगा। क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, आप इसे मान लेंगे जैसे आप बनाते थे ना, मान लेते हैं इसे 2 साल है, 2 ईयर, क्या मानेंगे कि हमारा जो ईयर है वो 2 ईयर्स है तो 1.5, लेकिन मानेंगे 2 ईयर्स। अब मानकर जैसे आप क्वेश्चन ग्राफ मेथड से सॉल्व करते थे, किससे सॉल्व करते थे, ग्राफ मेथड से, आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। रेट कितना दिया गया तो कहेंगे रेट दिया गया 10% और 10%, ठीक है ना। फटाफट क्वेश्चन करते हैं, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100, 1000 का 10% 100, और इसका जब 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे इसका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। जितने लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई का पार्ट फर्स्ट, आप क्या करेंगे वहां से जाकर देख लेंगे तो आपको ये जो ग्राफ मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे 1 plus 1/2 है, यानी पहले साल का आपका टोटल जो 100 रुपए है वो ब्याज तो मिलेगा, लेकिन दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा, आधा मिलेगा, यानी इसका ब्याज जो भी मिलेगा उसे हाफ कर देंगे 1/2, यानी ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 50, सॉरी ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। टोटल हमारा ग्राफ तैयार हो गया ना, यहां से यहां तक ग्राफ तैयार हो गया। अब हम कहेंगे अब हमारे पास क्या मिला, तो टोटल आपका जो सीआई होगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 100 और 50 150 और 5 कितना होगा 155 आपका सीआई होगा। यदि आपसे कोई पूछता है एसआई क्या होगा, तो आप बोलेंगे एसआई हमारा हो जाएगा कितना, 100 और 50 कितना 150, यानी सारी चीजें वैसे ही। अगर आपसे अंतर पूछा जाएगा तो आप अंतर क्या हो जाएगा 50 बताएंगे, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे आपके माइंड में आ गया, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन हटा देते हैं हम, आपके माइंड में आ गया कि नहीं अगर सर यहां पे दूसरा जो साल है वो आधा है तो हम रेट भी आधा रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप दूसरे साल में अगर दूसरा साल आधा है तो आप रेट भी आधा रख सकते हैं। तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 1000 फिर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला 10% पहले साल का, दूसरा जब रेट आधा करेंगे कितना हो जाएगा 5%। अब ऐसे कैलकुलेट करेंगे 1000 का 10% हो गया 100, 1000 का 5% कितना हो गया 50, अब जब यहां पे ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 1000 पे क्या करेंगे 5% करेंगे, जो कि कितना आएगा 5 आएगा, टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 155 रुपए, यही आपका क्या कहलाएगा सीआई। तो ये हो गया आपका ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड से आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसको एक और अच्छे मेथड से देख लेते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन मेथड। चलिए क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से देख लेते हैं। तो हमारा रेट जो रखा गया है पहले साल के लिए वो 10% है क्योंकि टोटल है, ठीक है ना, पहला साल, और दूसरा साल हमारा आधा है तो हम क्या करेंगे रेट को आधा कर सकते हैं जो कि 5% हो जाएगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, 10/100 आप कर देंगे कितना आएगा 1/10, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 यानी आप क्या कहेंगे 1/20, यही हो जाएगा ना। तो देखिए फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है, तो आप ये कहेंगे हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, उसी प्रकार ये प्रिंसिपल और ये क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो देखिएगा अगर प्रिंसिपल 10 रुपया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 11 मिल रहा है, ठीक है ना। वैसे ही अगर 20 और 21 का देखें तो 20 रुपए यानी सेकेंड ईयर की बात करें जो हाफ है, ठीक है ना, उसकी अगर प्रिंसिपल 20 है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। टोटल हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ठीक है, और 21 गुणे 11, जब ये करेंगे आप 21 गुणे 11 तो आपको मिलेगा 21 और 21 कितना हो जाएगा 231, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 231। अब देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, कहेंगे कि प्रिंसिपल दिया गया है 1000, कितना दिया गया है 1000, ठीक है, लेकिन है कितना
तो कहेंगे 200 है, हमने निकाला ना प्रिंसिपल 200 आया, लेकिन है कितना 1000, तो 200 को 1000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे 5 से गुणा कराएंगे, 5 से गुणा कराइए तो 5 से गुणा होगा तो 1 गुणे 5 5 हो जाएगा, 5 ताई 15 कैरी 1, 5 दो 10 और 1 11, यानी 11 55 हो गया। यानी आप कहेंगे हमारा प्रिंसिपल जो है 1000 है और हमारा अमाउंट जो है 11 55 है, तो आपसे सीआई पूछा गया है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, तो सीआई आप बता सकते हैं ना कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 155 रुपया हमारा क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 3 महीने के लिए उधार दिया जाता है। अब देखिएगा इसके पहले हमने 1 साल 6 महीने किया था, अभी क्या 1 साल 3 महीने, तो टाइम की बात है, टाइम आप पहले यहां पे लिख लीजिए, टाइम है 1 साल और 3 माह, यानी 1 year 3 month, तो 3 month जो है हम उसे किसमें चेंज करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे 3 month को जब ईयर में चेंज किया जाएगा तो 12 से भाग दिया जाएगा, मतलब आ जाएगा 1/4। आप टोटल बोल सकते हैं हमारे पास जो ईयर होगा, पहले 1 साल था अभी 1/4 है, इतना हो जाएगा इतने साल, यानी 1+1/4 year, ठीक है ना। अब लगाएंगे कैसे, हम कहेंगे 1000 रुपए ले लेंगे और इसे मान लेंगे 2 साल का है, तो 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे जैसे आप कैलकुलेट करते थे, रेट 10% और 10%, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब पहले साल तो टोटल ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे क्या मिलेगा 1/4, दूसरे क्या मिलेगा 1/4, क्योंकि 3 मंथ का ही मिलेगा, तो 1/4 करेंगे, ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 2.5। टोटल आप क्या करेंगे इसे ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो सीआई कितना मिल जाएगा, जोड़ लीजिए 100 और 25 हो गया 125, और 2.5 कितना हो जाएगा 127.5, ये क्या हो जाएगा सीआई हो जाएगा ना। अगर देखा 100, 25, 125 और 2, 27.5, अगर एसआई की बात करें इसे आप जोड़ देंगे, एसआई कितना आ जाएगा 125, ठीक है ना। अब ये हो गया एसआई, अच्छा इसी की बात कर लेते हैं, इसी जगह हम फ्रैक्शन से, ठीक है ना, क्वेश्चन को हटा रहे हैं हम, देख लीजिएगा फ्रैक्शन से किसे बना सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड। अब समझिएगा बात को, पहले साल का जो हमारा रेट होगा वो तो 10% होगा, लेकिन सेकेंड में जाएंगे जब दूसरे साल में, वो रेट कितना हो जाएगा, जब मंथ आपका 3 मंथ का है, यानी आपका रेट जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 × 1/4, ये कह सकते हैं ना इतना परसेंट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा बोल सकते हैं 5/2%, इसे कैलकुलेट करिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 5 × 2 × 100, अब इसे काटिए 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, यानी 1/40 आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1/40, इसका तो आपको पता है 1/10। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल हमारा 10 है, पहले साल की बात है, 10 पर कितना मिला आपको 11 मिला, वहां पे 40 पे कितना मिला आपको, तो कहेंगे 41 मिला ना, 40 पर 1 बढ़ा ना 41 हो गया, गुणा कराइए ये हो गया 400, और ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 41 और 41, क्योंकि 11 से गुणा करना है, 4 × 5 = 1 हो जाएगा 451, लेकिन है कितना वास्तव में, तो कहेंगे है तो 1000, 1000 की वैल्यू कितना बनाना है 400 बनाना है, तो आप गुणा कैसे कराएंगे। अब देखिए मेन पॉइंट है कि अब 400 में ऐसा क्या गुणा करें कि 1000 हो जाए, तो समझिएगा बात को, हम ऐसे कर लेते हैं, देखिए 1000/400 कर देंगे गुणा निकालने के लिए, क्या करेंगे गुणा निकालने के लिए 1000/400 कर लेंगे, जब 0 0 से वह कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कितना आपको, तो कहेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 मिल जाएगा, यानी 5/2 से यहाँ पे गुणा कराना होगा, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या करेंगे आप 5/2 से गुणा करा देंगे, ठीक है, तब गुणा कराएंगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 1000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल 6 महीने के लिए उधार दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है ना। अब यहां पे जो दिया गया है 2 महीने टाइम है आपका, 2 साल 6 माह, सिक्स मंथ, ठीक है, ये चीज है। तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं, 2 + 1/2 लिख सकते हैं, 6 महीने का आधा साल, तो अब क्या करेंगे 1000 लेंगे, अब नियर अबाउट इसे क्या मान लेंगे 3 साल मान लेंगे, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, रेट कितना हमारा 10% 10% और क्या है 10%, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब जैसे कैलकुलेट करते थे 1000 का 10% 100 हो जाएगा, इसका 10% 100 हो जाएगा, इसका 10% 10 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका 10% 100,
फिर इस पर 10% निकालेंगे 10, इस पर 10% 10 और इस पर 10% 1, ये फाइनल हो गया। अब देखिए हमारा 2 साल का ब्याज तो हमें मिलेगा, लेकिन तीसरे साल में अगर जाएंगे तो वो क्या है, तीसरा साल आधा है, इसलिए ब्याज ये क्या मिलेगा, आधा मिलेगा। तो तीसरे साल का जो भी ब्याज है उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। अब फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 50, ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 0.5, ठीक है ना। टोटल आप क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। जब इसे आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा अगर हम 100 देखें, 200 250 ऊपर की वैल्यू 250, और देखते हैं 10 5 15 5 20 20.5, यानी आप कहेंगे 20.5 हो गया। तो टोटल आपका जो सीआई आएगा कितना आएगा, 10.5, और यहाँ पे 0, ये 7, और ये आप कहेंगे 270.5 आ जाएगा। अगर एसआई पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, तो एसआई जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 250, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, इसी को अगर फ्रैक्शन मेथड से देखा जाए, ये आपका कौन सा मेथड था, ग्राफ मेथड, इसी को अगर फ्रैक्शन मेथड से देखा जाए तो इधर समझ लेते हैं फ्रैक्शन मेथड, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन हटा रहे हैं हम, फ्रैक्शन मेथड आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब दिया है रेट कितना है, 10%, 10% है तो 10 की वैल्यू 1/10 आएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, यही होगा ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब समझिएगा, अब हमारा अगर प्रिंसिपल ले ले और अमाउंट ले ले तो 10 की वैल्यू हो जाएगा 11, 10 की वैल्यू 11 पहले साल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, लेकिन थर्ड ईयर में अगर देखा जाए तो रेट हमारा आधा हो जाएगा, 10% को आधा करेंगे कितना हो जाएगा 5%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 1/20, यानी कि आप कहेंगे 20 की वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कौन सा, थर्ड ईयर में। इतनी बात समझ में आ गई ना, थर्ड ईयर में हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2000 इधर हो जाएगा, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 11 × 11 121 आ जाएगा, 121 मल्टीप्लाई 21 करा दीजिए, 121 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और ये 2 सबको ऐड करेंगे तो 14 और ये हो जाएगा 52, यानी इसको आएगा 2541, ठीक है ना, फाइनल आंसर। लेकिन अब क्वेश्चन में देखा जाए तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि सीआई क्या होगा, ठीक है ना। तो अब आप पहले आप प्रिंसिपल देख लीजिए, प्रिंसिपल 2000 है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया गया था, 1000 दिया गया है, गिवन था 1000, तो आप इस 2000 को 1000 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे 1/2 से क्या कर दे, या 2 से भाग दे दे, या 1/2 से गुणा करा दे, तो वहां भी आप 1/2 से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 को काटेंगे 2 बार में तो 7, और ये कितना आएगा 0.5, यानी कि 1270.5। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे ना, क्या करेंगे दोनों का अंतर, क्योंकि ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, तो अब दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 270.5, यही 270.5 क्या कहलाएगा, तो कहेंगे यही हमारा क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 65 रुपए है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रतिवार्षिक है तो आपको क्या निकालना, मूलधन ज्ञात करें। बात समझिएगा, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, स्टॉप करिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसको सोल्यूशन करिएगा, ठीक है ना। इसको हम बनाएंगे, अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन हमारा चेंज हो गया, इस फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, बोला गया है 2 ईयर सीआई माइनस एसआई दे रखा है, जो कि कितना है 65 रुपये। हमारे पास रेट गिवन है 10% और टाइम तो पता है ना, टाइम 2 ईयर बोला गया, आप बोल सकते हैं टाइम कितना है 2। इतनी बातें दी गई हैं, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन कर लिया गया है कि हमें बताइए प्रिंसिपल क्या है, यानी इसका जो सम होगा वो हमें बताना है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, जब हमें प्रिंसिपल निकालना है, इसके पहले तो प्रिंसिपल दिया रहता था, अभी प्रिंसिपल पूछा गया, तो कैसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ग्राफ मेथड से करेंगे, किससे करेंगे, ग्राफ मेथड से करेंगे। तो ग्राफ मेथड से कैसे करेंगे, तो आप यहां से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रेट को ले लेंगे, रेट जैसे 10% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 1/10 आएगा, तो कहेंगे ये सर प्रिंसिपल होता है और ये इंटरेस्ट होता है, तो फिलहाल इंटरेस्ट को कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्या लेंगे, आप प्रिंसिपल लेंगे, तो प्रिंसिपल को आप यहां पर लिख लीजिए, प्रिंसिपल को आपने लिख लिया ना, प्रिंसिपल कितना 10 है। तो अब देखिए अब करना क्या है वो समझिएगा, अगर 10 ले लिया, अभी इस 10 का क्या करेंगे, अगर 2 साल की बात है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 साल की बात होगी तो क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, 2 साल की बात रहेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 साल की बात रहेगा तो क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, मतलब कि यहां पे स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। जब स्क्वायर कर दिया जाएगा तो अब आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पी पहले 10 था, अब कितना हो गया, 100 हो गया। इस रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं ना,
इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितना हो गया प्रिंस बस 100, क्योंकि आप जब फ्रैक्शन मेथड में 2 साल के लिए लेते हैं तो क्या करते हैं 10 का 11 करते हैं, 10 × 10 100 लेते थे ना, वही चीज है। यानी कि ये 1 साल का है, इसको 2 साल बनाएंगे तो 10 × 10 यानी 100, 10 का स्क्वायर। अब प्रिंसिपल को जैसे सॉल्व करते थे, अगर ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है, तो इसे कैसे सॉल्व करते थे? प्रिंसिपल पर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रेट कितना है, तो कहेंगे 10%, या तो आप 10% रखें या 1/10 रखें, बात वही है, इसी का तो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, तो आप 1/10 रखिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे 10% करिए या 1/10 करिए, आंसर वही आने वाला है। 100 का 1/10 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, उसका भी करेंगे तो 10 मिलेगा, और इसका जब 1/10 निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हमारा बन गया ग्राफ, ये क्या बन गया, हमारा ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ से क्या समझना है आपको, ये जो प्लेस है यही तो अंतर का प्लेस होता है ना, 2 साल के 2 ईयर CI माइनस SI का प्लेस होता है। तो देखिएगा, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, कहेंगे 65 रुपए है, ठीक है ना। कितना दिया गया, 65 दिया गया, लेकिन अगर इस मेथड से, यानी कि हमने इस फ्रैक्शन से जब बनाया इसको, तो कितना था, 100 था, यानी प्रिंसिपल जब 100 था तो अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन अंतर कितना आना चाहिए था, 65 आना चाहिए ना, 1 की जगह 65 आना चाहिए। तो 65 लाने के लिए हम अगर 1 में 65 से गुणा कर देंगे तो हमें 65 मिल जाएगा ना, तो अगर इसको 65 से गुणा करेंगे तो इसे भी क्या करना होगा, 65 से ही गुणा कराना होगा। जब इसे 65 से गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 6,500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो अब ये तो बातें सही है, ठीक है। अब क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपने मूलधन बता दिया ना, अब क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है मूलधन, तो मूलधन आपने बताया कि 6,500 हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे SI पूछा जाता तो क्या करते हैं, SI की बात करते हैं, तो SI ऊपर वाला पार्ट SI होता है ना, 10 × 10 = 20, और 20 का क्या करेंगे, सबका जब 65 गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसका भी 65 गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो अब गुणा करा दीजिए, 0 तो ये 0 हो जाएगा, 2 से गुणेंगे, 5 × 10 कैरी आ जाएगा 1, 6 × 12 और 1 13 हो जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए CI ही पूछा जाता तो आप कहते हैं जो CI आएगा वो कितना होगा, 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना, 21 का क्या करें, 65 में गुणा करा देंगे, यानी जब 65 गुणे आप 21 करेंगे तो देख लीजिए आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। 1 से 5 में 5 और 1 6, 2 से 5 × 10 कैरी 1 6 × 12 और 1 13, तो आप बोलेंगे 13 65, यानी आंसर कितना आएगा, 13 65, ठीक है ना। या आप सिंपल सी बात ये भी कर सकते थे कि अगर पहले SI 1300 है और इसको ही जोड़ना है जिसकी वैल्यू 65 है, तो 13 65 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो सारी बातें हैं आप यहां से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसका पहला तरीका, हमने कहा ना ये हो गया इसका पहला तरीका, अभी हम इसके और तरीकों पर बात करेंगे, दूसरा और तीसरा, तो चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए इसके सेकेंड मेथड पे चलते हैं। जैसे हमने मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान समझिएगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास 1000 रुपए है, मान लीजिए 1000 रुपए है और आपके पास रेट 10% है, ठीक है ना, 10% है, तो आप लिखते थे यहां पे 100 होगा और यहां पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 10 हो जाएगा। अच्छा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, अगर आपसे मैं पूछूं तो कहेंगे सर 1/10 आएगा, 1/10 आएगा, तो 100 का 1/10 करेंगे तो भी तो वही वैल्यू आएगा। अच्छा, इसका 1/10 करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगा। अब हमारा प्रोसेस क्या होगा वो बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस ये होगा, ये तो हम पहले करते थे, अब देखिए ये इधर से इधर चले ना, हम रिवर्स चलते हैं, हम क्या करेंगे, अब रिवर्स काम करेंगे। अच्छा देखिए, अगर यहां से यहां जाना है तो आपने क्या किया, 1/10 से गुणा करा दिया, 1/10 से क्या किया, गुणा करा दिया, या 100 का कहेंगे 100 का हमने कर दिया 10%, या कर दिया हमने 100 का 1/10, तो ये मिल गया। अब हमें अगर यहां से यहां जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे इसी के रिवर्स से, रिवर्स 1/10 है ना, यानी 10/1 से हम गुणा करा देंगे, बस ये काम करना है, ठीक है। यानी कि अगर 10 × 10 100, फिर आप यहां से यहां जाना होगा तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे 10/1 यानी इसी के रिवर्स से गुणा करा देंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रोसेस को लेते हुए हम काम करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब हमारा बात समझिएगा, अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका प्रिंसिपल आपको पता है, तो कहेंगे सर पता तो नहीं है, ठीक है पता नहीं है। अच्छा, 2 साल की बात है, क्या क्या दिया गया है, कहेंगे रेट दिया गया है वो कितना है, 10%, जिसको हम 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसका हम कुछ भी करेंगे, यहां पर मान लेते हैं ए आएगा, यहां भी मान लेते हैं क्या ए आएगा, जो वैल्यू यहां आता है वही वैल्यू यहां आता है, क्योंकि रेट सेम है, तो यहां पे ए, यहां पे ए आएगा, ये बात समझ में आ गई ना। अब इसका जो हम करते हैं 1/10, तो हम तो यहां लिखते हैं ना, तो इसे मान लेते हैं कुछ अलग वैल्यू आएगी, जो वैल्यू है हमारी बी, यहां पे जो करके लिखते हैं 10 आता है, उसी को मान लेते हैं कोई और वैल्यू आएगी जो है बी,
अब समझिएगा बात को, ये आपने फॉर्मेशन तो बना लिया। अगर ये फॉर्मेशन बना लिया तो हम ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवेन है, तो क्वेश्चन में सीआई माइनस एसआई गिवेन था, जिसकी वैल्यू कितना था, 65 रुपए था। कितना था वैल्यू, 65 रुपए था। तो ये बी किसका प्लेस है, तो कहेंगे ये बी जो है अंतर का प्लेस है जिसकी वैल्यू दे रखा है 65। अच्छा, 65 से अगर यहां घूमते हुए जाएंगे तो क्या करना होगा, इसी से रिवर्स से गुणा करना होगा, यानी 10 से गुणा करा देंगे, 10 से 10 बटे 1 से, तो 65 गुणे 10 कितना हो जाएगा, ये 650 हो जाएगा। तो ये भी तो 650 होगा क्योंकि दोनों वैल्यू समान है। अच्छा, यहां से अब यहां जाएंगे तो फिर कहेंगे इसी के रिवर्स से गुणा करेंगे 10 बटे 1 से, 65 गुणे 10 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6500 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, तो इससे भी कर सकते हैं। तो एक और मेथड है, उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए थर्ड मेथड चलते हैं, जो कि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना होगा यहाँ पर। देखिएगा, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जो सर आप मेथड बता रहे हैं इससे सिंपल, तो हम इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखिएगा, सी आई माइनस एस आई बराबर होता है पी ब्रैकेट में आर बाई 100 पावर टी। ये एक फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे अभी हमने ग्राफ मेथड से बात किया था, वहां पे आप सी आई भी बता सकते हैं, एस आई भी बता सकते हैं, आपसे वहां पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आप यहां पर क्या है, प्रिंसिपल बता सकते हैं, रेट बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई सी आई पूछेगा नहीं बता सकेंगे, मतलब बता पाएंगे उसके लिए फिर अलग से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो चलिए देखिए, इसके लिए ये बहुत अच्छा है, ये भी जान लीजिएगा, इसका यूज हम करेंगे अदर क्वेश्चन में। सब चीज आपको पता होना चाहिए, किसका कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, वो चीज। चलिए, दिया गया अंतर, अंतर कितना दिया गया, 65। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना था, रेट कितना है, तो रेट कहेंगे 10 है, 10 बट्टे 100। टाइम कितना है भाई साहब, 2 है, लिख दिया यहां 100 का लिख, 0 0 से कैंसिल, 65 बराबर पी गुड़े 10 का 1 बट्टे 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 65 बराबर पी बटे 100 पी का गुणा करा दीजिए, सॉरी 100 का गुणा करा दीजिए, पी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6500। देखिए कितना इजी है ना, इजी है। लेकिन अब यहां से अगर हम ये बोले कि बताइए सीआई का क्या होगा, सीआई आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल मिल गया, रेट हमें पता है, टाइम पता है, फिर सीआई निकालेंगे। तो सीआई के लिए फिर अलग प्रोसेस करना होगा ना, तो उस बात के लिए मैंने कहा यह आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसके आगे ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए उस जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरीके का है, बिल्कुल फास्ट करेंगे इसको। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, 1 रुपया है, और आपका रेट जो है 4% है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, और सारी चीजें जो पूछा जाएगा वो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो अब देखिए फास्ट करते हैं, ठीक है ना, अब प्रिंसिपल, ठीक है ना, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसका अंतर जो है वो कितना दिया गया, 1 रुपए दिया गया, कितना दिया गया, 1 रुपए, ठीक है ना, जो बी आएगा उसके जगह 1 लिख लेते हैं। अच्छा, रेट जो 4% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कट जाएगा 25 बार में, आप बोल सकते हैं 1/25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/25 किया होगा ना हमने, ठीक है, 1/25 और 1/25 ऐसा हमने किया होगा, ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए 1/25, यहां से यहां जाने के लिए 1/25, यहां से यहां जाने के लिए 1/25। अब इसे क्या करेंगे, रिवर्स गुणा करा देंगे, क्यों, तो ये हो जाएगा 25/1। जब 25/1 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 25 ही आएगा, यहां भी कितना आएगा, 25 ही आएगा, फिर इसी का गुणा करा देंगे, कितना, 25 का, 25 × 25 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 25 × 25 होता है 625, यानी जो आपका प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा, 625 आएगा। बिल्कुल सिंपल सा, कुछ करना था इसमें नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, और आप जैसे 2 और मेथड बताए थे उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह राशि क्या है जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1261 रुपए है, तो बताना है मूलधन क्या होगा, यानी धनराशि आपको बताना है वहां पे। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए अब इसमें सीआई दिया गया ना, इसके पहले आप अंतर दिया जाता था सीआई और एसआई का, ठीक है, अब क्या किया, डायरेक्ट सीआई दिया गया, तो आप बिल्कुल ग्राफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। कैसे, अगर हम रेट की बात करें, ये जो रेट दे रखा है 5% को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं ना, तो आर इक्वल टू कितना होगा, 5/100, यानी आप इसे जब 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा ना, तो 1/20, 3 साल की बात कर रहा है, कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल का, तो 20 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 8000 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 साल की बात है, 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और रेट कितना रखेंगे, 1/20, ठीक है, 1/20, 1/20, बिल्कुल इजी तरीके से, 8000 का 1/20 करेंगे कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे 400, ये भी 400 हो जाएगा ना, 8000 का 20, 1/20, 400, इसका 1/20 करेंगे कितना आएगा, 1/20 कर लीजिए, तो कहेंगे 20 आ जाएगा ना, 400 × 1/20 20 आ जाएगा। अच्छा, फिर अब चलते हैं तीसरे साल में,
8000 का 1/20 करेंगे 400, ठीक है ना। इसका 1/20 करेंगे 20, इसका 1/20 करेंगे 20, इस 20 का 1/20 करेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सीआई दे रखा है ना, कितना है 1261 है, तो यहाँ भी देख लीजिए सीआई हमारा क्या आता है, जो भी आएगा उसको गुना करना होगा, तो गुना करके देख लेंगे कितना अधिक है कितना कम। एक बार ऐड करके देखिए क्या होता है, ऐड करते हैं 400 कितना हो जाएगा भाई साहब, कहेंगे 1200 सर हो जाएगा, ये 1200 ऊपर का हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और एक ये हो गया, तो जोड़ दीजिए तो 1261 हो गया, ठीक है। तो यानी इस जो हमने फ्रैक्शन माना था उसके अकॉर्डिंग 1261 आ गया, और क्वेश्चन में भी तो 1261 दिया गया है, ये तो हमने निकाला ना सीआई फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में कितना दिया गया 1261 दिया गया, तो कहेंगे कितना गुना, एक गुना, यानी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दो या तीन या कुछ भी गुना होता उसका ही मल्टीप्लाई यहाँ करते थे, लेकिन यहाँ एक गुना है तो बात तो वही हो गया ना। तो हम कहेंगे हमारा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। अगर ऐसा ही पूछा जाता 4 4 8 और 4 2 12 1200, बिल्कुल इजी तरीके से आप बता सकते थे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं फ्रैक्शन से कैसे लगाएंगे। चलिए सेम क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से देख लेते हैं, फ्रैक्शन मेथड ये सेकंड मेथड हमारा होगा। फ्रैक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने पहले किया था 1/20 है, ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका क्या होगा इंटरेस्ट। अगर हम कहेंगे प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना होगा 20 और 1 21 हो जाएगा। ये कब की बात है, ये पहले साल की बात है, तो दूसरे साल का भी तो रेशियो वही होगा 20 21, हालांकि हमारे पास 3 साल है तो तीसरे साल का भी रेशियो सेम होगा क्योंकि रेट हमारा सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, सबका गुणा करा देंगे, 20 गुणे 20 गुणे 20, 3 बार गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 8000 ये हो जाएगा। 21 गुणे 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 9261 यानी 9261 आप गुणा कराएंगे 21 गुणे 21 गुणे 21 9261, ठीक है ना। ये तो अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, दोनों का अंतर लेंगे तो क्या मिलेगा, कहेंगे सीआई मिलेगा, कितना आएगा 1261। तो देखिए यहाँ भी सीआई 1261 है और यहाँ भी है, तो हमारा मूलधन जो होगा वो कितना होगा 8000 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5832 रुपए हो जाती है, 2 वर्षों में 5832 रुपए हो जाती है ये बोला गया, तो आपको क्या बताना, प्रिंसिपल बताना है। देखिए जब 2 वर्षों बाद ये धनराशि, जो भी धनराशि था मान लेता हूं पी था, ये 2 वर्ष के बाद जो हो गया वो कितना होगा 5832, ये आपका क्या अमाउंट दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें यहां पता है, 8% आपका रेट है, टाइम 2 वर्ष है और अमाउंट पता है, ठीक है ना। इसको लगाएंगे, अच्छा इसको अगर ग्राफ मेथड से लगाएंगे तो वो भी लग जाएगा, पहले ग्राफ मेथड से देख लेते हैं, हालांकि इसके लिए सिंपल फ्रैक्शन मेथड होगा ना, ग्राफ मेथड से देख लेते हैं। 8% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, तो कहेंगे 8/100 आएगा, जिसे कैंसिल किया जाएगा किससे, 4 से, यानी 2/ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। अच्छा ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है इंटरेस्ट है, तो हालांकि ग्राफ मेथड से तो हमें 25 से मतलब है, 2 साल की बात है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 625 हो जाएगा। इसको 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, 2/25 रखेंगे और 2/25 रखेंगे, ठीक है, 625 गुणे 600 यहां लिख देते हैं, 625 गुणे 2/25, यही तो करेंगे ना यहाँ पे लिखने के लिए, तो 25 से 625 कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, और इसका करेंगे 2/25, जब हम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अच्छा ठीक है अमाउंट दे रखा है, तो पहले सीआई तो फंड करिए, सीआई कितना हो जाएगा 50 50 100 और 104 हो गया सीआई। तो अमाउंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे अमाउंट के लिए हम ये कर सकते हैं कि अमाउंट इक्वल टू पी प्लस सीआई होता है, प्रिंसिपल है 625 और सीआई कितना है 104, टोटल में ऐड कर देते हैं ना, कितना हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 1 7 यानी 7 अमाउंट आ गया 729, ठीक है। अब समझिएगा बात को, अगर हमारे पास अमाउंट 729 है लेकिन वहां पे अमाउंट कितना है 5832 है, यानी कि क्या है 5832, कितना गुना होगा, ठीक है ना, कितना गुना होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे आप 5832 में 729 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 5832 डिवाइड बाई 729,
देखिए सिंपल सी बात है, 9 से मल्टीप्लाई कराइए या डिवाइड जो भी करना है, 9 का ऐसा टेबल पढ़िए जिसके यूनिट में 2 आ जाए, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो 9 × 8 कितना होता है, 72 होता है ना, यानी 8 टाइम में बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। आप कैंसिल करके देखेंगे तो 8 टाइम में कट जाएगा। सिंपल सा एक आइडिया लगा लीजिए कि ऐसा 9 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, यूनिट में 2 आ जाए, तो 8 आ रहा है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, नहीं 8 हो सकता है, उसको जब डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपसे बोला गया प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल तो 625 था ना, हमारा प्रिंसिपल कितना था 625, इसमें क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 गुणे 8, तो आप क्या कर सकते हैं 625 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, 8 5 हो जाएगा 40, 4 8 दूनी 16, 16 4 कितना होगा 20 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 48 और 2 49 50, ठीक है ना। यानी आप कहेंगे टोटल कितना आ गया 5000 रुपये। तो मूलधन आप बता सकते हैं कि जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 5000 होगा। हमने हर एक कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी तरीके से समझा, ठीक है ना। अब इसी को देख लेते हैं फ्रैक्शन मेथड से, और फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चलिए सेम क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए फ्रैक्शन मेथड बिल्कुल इजी होता है, ठीक है ना। देखिएगा फ्रैक्शन मेथड की बात करेंगे, हमने इसके पहले जो फ्रैक्शन किया था वो सारी चीजें वैसे ही है, 8% के फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होता है। अच्छा देखिए प्रिंसिपल की बात करते हैं और अमाउंट की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना होगा 25 रुपए, तो अमाउंट कितना होगा 25 × 2 = 27 रुपए। तो ये पहले साल की बात है ना, सेकेंड दूसरे साल की बात करें, 2 साल है इसमें, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 और क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। फाइनल में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 25 × 25 कितना होता है 625 और 27 × 27 कितना होगा, तो कहेंगे 729, ठीक है ना, 729 हो गया बिल्कुल। अब देखिएगा हमारे क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, इसकी वैल्यू है 5832। अभी हमने बताया था ना उसके पिछले क्वेश्चन में, सॉरी पिछले तरीके में क्या किया था आपने, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कराया था, तो इसमें भी क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 625 × 8 कितना हो गया था आपका 5000। तो बिल्कुल आप इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ हालांकि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इतना ईजी तरीका है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप टाइम ले सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि यदि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 80 रुपये है, तो बताइए उसी समय के लिए यानी उसी समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रखा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा आप लोग। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे कि अगर एसआई दिया है 80 रुपये, ठीक है ना, तो आप अगर ग्राफ मेथड सॉल्व करेंगे और इसी से ये इजी तरीके से सॉल्व भी होगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन मेथड से ये नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सीआई हम निकालते हैं ना, वहाँ पे फ्रैक्शन मेथड में हम एसआई नहीं निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे एसआई दिया गया है, ठीक, तो हम वहाँ पे सीआई निकालते हैं, एसआई नहीं निकाल सकते, इसलिए उससे हम नहीं लगा सकते। तो ग्राफ मेथड मैंने बोला था ना, ग्राफ मेथड लगभग लगभग हर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल इजी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन के लिए लगभग हर क्वेश्चन के लिए ग्राफ मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। जो प्रिंसिपल है कुछ भी होगा हमें यहाँ पे आइडिया नहीं है, हमें ये आइडिया है कि एसआई जो 2 साल का एसआई है वो क्या 80 रुपये है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी एसआई की बात हो और रेट आपका समान हो, दोनों साल के लिए रेट क्या है आपका समान है, तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा बराबर होगा, यानी प्रत्येक वर्ष का एसआई बराबर होगा, यानी ये 2 साल का एसआई है, तो अगर यहां से हम 1 साल की एसआई की बात करेंगे तो क्या करेंगे आप डायरेक्ट 2 से भाग देंगे, यानी 80 में 2 से आप भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा, तो कहेंगे 40 बच जाएगा। तो यानी 1 साल का एसआई 40 और दूसरे साल के भी एसआई क्या है 40 है। बिल्कुल समझ में आ गया बात। अच्छा जब 40 है तो रेट आपका 4% है, तो अब यहां पर जो भी वैल्यू आता है इसी का 4% करके तो ही लिखेंगे, तभी तो सीआई आपको पता होगा, यहां एसआई और यहां एसआई, अगर इसको भी जोड़ देते यहां वाली वैल्यू भी जोड़ देते तो टोटल हमें क्या मिल जाता, तो कहेंगे टोटल सर हमें मिल जाता सीआई, तो सीआई के लिए ये प्लस तो चाहिए। सिंपल है, हम क्या करेंगे इस 40 का 4% करेंगे, क्या करने वाला है 40 का 4%, तो 40 × 4/100 0 0 से 4 × 4 कितना होगा 16/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1.6, यानी ये हो गया 1.6। अब सीआई बता सकते हैं ना, क्या बताएंगे 40 40 80 और 1.6 यानी 81.6 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सीआई हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर आपके माइंड में यहां तक तो क्वेश्चन ठीक है, क्लियर है कि हमें सीआई पूछा गया तो वो बता दिया गया, अगर ये माइंड में आता है कि प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ भी दिया जाता तो क्या करते, अब समझिएगा बात को, 4% के फ्रैक्शन वैल्यू फटाफट निकाल लीजिए, तो हमारे पास 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 4/100 यानी आप लिख सकते 1/25 होगी, ठीक है ना। यानी कि यहां से यहां तक जाने के लिए हमने क्या किया था, इसको हटा देते हैं, ठीक है,
क्या किया था, 1/25 यानी 4% किया था। तो यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक आने के लिए क्या करेंगे, 25/1 करेंगे, वही यहां से यहां तक आने के लिए क्या करेंगे, वही 25/1 करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो 40 × 25 कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए 25 × 40। तो आप जब 4 × 25 करेंगे, 25 × 100 यानी आप क्या कह सकते हैं कि नहीं ये 1000 हो जाएगा, यही होगा ना। तो आप कह सकते हैं मूलधन, देखिए मूलधन के बारे में भी पूछा जाएगा, आप इजी तरीके से बता सकते हैं, यानी अगर ग्राफ आपके सामने पता है तो आप हर एक क्वेश्चन का इजी तरीके से सोल्यूशन दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आज जो वीडियो हमने सेकेंड देखा है ये इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कवर किया है, अभी आगे इसके और पार्ट आएंगे जिसमें और सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। ठीक है ना, कवर करेंगे, हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दे आप सभी लोग, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। बिल्कुल 1000 सब्सक्राइबर हमारे पहुंचने वाले हैं, थोड़ा मेहनत करिए आप लोग, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो फटाफट हम लोग लाइव आ जाएंगे, तो लाइव में पढ़ने का आनंद ही कुछ और होगा। तो चलिए, धन्यवाद।